हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्लास एट में जनरल साइंस इस सब्जेक्ट के अंतर्गत ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम ये चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो कल हमने क्या देखे इस चैप्टर में? रेस्पिरेटरी सिस्टम देखे। क्या देखे हमने? रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम आज देखेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है में क्या होता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल्स थ्रू द डिफरेंट ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में? सर्कुलेटरी, सर्कुलेट में सर्कुलेट होना, ठीक है। सर्कुलेट मतलब बहुत सारे पदार्थों का, सब्सटेंस का क्या होना? सर्कुलेट होना। सर्कुलेट होना तो इसमें ये बहुत सारे जो मटेरियल्स है, सब्सटेंसेस, वाटर हो गया, हार्मोन्स हो गया। हार्मोन्स क्या होता है आपको हाई स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाएगा। ऑक्सीजन हो गया, सोलूबल न्यूट्रिएंट्स हो गया, ठीक है। और वेस्ट मटेरियल्स, इनका इनको सर्कुलेट किया इनका करती इस सिस्टम में, ठीक है। और इसमें जो है मेनली कैसे सर्कुलेट होता है, इसमें समावेश होता है हार्ट। समावेश क्या होता है इसमें? हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। समझ में आ गई बात? यस। कैपिलरीज, ठीक है। इन घटकों का इसमें समावेश होता है और इन सबसे इनसे मिलके क्या बनती है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आ गई बात? यस। ठीक, अब देखेंगे हम हार्ट के बारे में, ठीक है। हार्ट जो है, हार्ट कहाँ होता है? हमारी जो थोड़े सी कैच है, ठीक है, थोड़े सी कैच के अंदर भी यहाँ पर हार्ट होता है। हार्ट जो है, हार्ट प्रेजेंट इन द ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ थोरेसिक कैच। ये जो सेंटर होता है जस्ट इनक्लाइन द लेफ्ट साइड, यानी थोड़ा सा लेफ्ट, हल्का सा, ठीक है। तो ये हार्ट थोरेसिक कैच जो है अपनी, ये यहाँ पर ये होता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द रिब्स बिटवीन द टू लंग्स। यहाँ पे जो दो लंग्स पड़े थे ना निकल, वो दो लंग्स के बीच में होता है, लेकिन इंक्लाइन द लेफ्ट साइड, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हल्का सा, ठीक है। ये हार्ट होता है। अब उसके बाद इसके साइज जो है, साइज इज इक्वल टू द टू योर फिस्ट। ये जो फिस्ट है ना, मुट्ठी, इस मुट्ठी के साइज का, के आकार का वो होता है क्या? हार्ट होता है। मुट्ठी होते ना अपनी, देखो अपने बोल दिए कि तुम्हारा हार्ट कितना बड़ा, अपनी मुट्ठी बांध के देखो उतना ही बड़ा तुम्हारा हार्ट है, ठीक है। छोटा सा बच्चा है, उसका छोटा सा हार्ट नहीं बनेगा, मुट्ठी फिर बनेगी, छोटी सी बनेगी ना फिर, तो उसको उसका हार्ट उतना ही बड़ा रहेगा। अगर कोई बॉडी बिल्डर आदमी उसका हार्ट बड़ा है, उसका हार्ट भी उतना ही रहेगा। समझ में आ गई बात? तो हम कह सकते हैं साइज ऑफ हार्ट इज वन ऑफ द ओन फिस्ट एंड इट्स वेट्स नियर अबाउट 360 ग्राम एंड समवट लेस देन हाफ केजी, आधा किलो से थोड़ा सा कम, कुछ बहुत कम। कितना वजन इसका? 360 ग्राम। समझ में आ गई बात? यस। अब इसके बाद में ये जो हार्ट है, तो आपके बुक्स में देखिए, तो उसमें ये कायम होता है डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है इसमें, ठीक है। ये जो हार्ट है ना, इसके बीच में क्या होती है? डबल लेयर मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। एज अ फ्लूइड, और उसमें कुछ फ्लूइड होता है प्रेजेंट,
उसमें फ्लूड होता है, फ्लूड क्या काम करता है, तो हार्ट को शॉक से या किसी प्रकार की इंजुरी से वो मतलब प्रोटेक्ट करने का काम करता है। समझ में आ गई बात? यस। अब उसके बाद में वुमेन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये कैसा होता है? मसल से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? ये मसल से बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ इनवॉलंटरी कार्डियक मसल्स। इनवॉलंटरी जो कार्डियक मसल्स होती है, इनवॉलंटरी मतलब बिना अपने आप चलने वाला, अपने आप चलने वाला। हार्ट को तुम रोक सकते हो क्या? नो। चलोगे? हाँ। और देखिए, हम यहाँ पे देखें कि उसका वेट कितना होता है, 360 ग्राम। ठीक है, 360 ग्राम इसका वेट होता है। और उसके बाद में ये कैसे बना था? मसल से बना है। कैसे बना है? मसल से। क्या बना है? हार्ट बना हुआ। दे कंसिस्ट ऑफ दे हार्ट का भी देखो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वो मसल्स के बने मस्कुलर होने की वजह से कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन ये कंटिन्यूशन होते रहता है। ठीक है। और जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है अपना जो हार्ट है, यहाँ पे हार्ट है जो धड़क आ जाती है ना बल बल की, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हार्ट बीट या बीटिंग ऑफ हार्ट। इसको क्या बोलेंगे? हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, कितने क्या कहते हैं उसको? हार्ट बीट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात? यस। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या समावेश होता है? हार्ट, वेसल्स और कैपिलरीज। ठीक है, पहले हम पढ़ रहे हैं हार्ट के बारे में। हार्ट कहाँ होता है? अपने जो थोड़े से कैच है, ठीक है, इसके थोड़े से लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, और उसके बाद में थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट होता है। और फिर इसका जो साइज जो है वो कैसा है? एक फिस्ट के वजह से। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा हार्ट कितना बड़ा होगा, तो आप अपनी मुट्ठी बांध दीजिए, आपका हार्ट का साइज आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गई बात? उसके बाद में एक उसमें ये बना कैसे होता है? मसल्स। ठीक है, और उसके डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, इसको बोलते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। उसको क्या कहते हैं? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उस मेम्ब्रेन में फ्लूड वगैरह भरा होता है, तो वो भरने की वजह से उसको कारण क्या है कि उसको किसी प्रकार का शॉक ना लगे, कोई डैमेज ना हो, किसी प्रकार की उसको तकलीफ ना हो, मतलब कोई बोलने का मतलब है कि उस सुरक्षित रहे, इसलिए वो डबल लेयर मेम्ब्रेन में। समझ में आ गई बात? यस। अब उसके बाद में देखिए एक कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन ये कंटिन्यू रिदम के साथ, एक कॉन्स्टेंट रिदम के साथ में जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हार्ट बीट। इसको क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। समझ में आ गई बात? यस। अब देखिए, अपने पास चार्ट नहीं है अभी, तो ये बात को समझ लो। हार्ट जो है ये 4 चैम्बर होता है। सबसे पहले इसके 2 भाग होते हैं। एक कौन सा होता है? ऑरिकल। पहला कौन सा होता है? ऑरिकल। सेकंड कौन सा होता है? पहला। और दूसरा है वेंट्रिकल। समझ में आई बात? यस। और ये जो ऑरिकल और वेंट्रिकल फिर से डिवाइड हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो ये कैसे डिवाइड होगा? लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल। समझ में आई बात? ठीक है, उसी प्रकार से वेंट्रिकल के बारे में भी बात करते हैं, तो ये भी जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल बैकग्राउंड में दिखाया ना, yes. देखो राइट
वेंट्री समझ में आ गई बात? यस यस। तो इस प्रकार से पूरा जो हार्ट है जितने चैम्बर है हार्ट है अपना ठीक है। कौन कौन से? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस प्रकार से जितने चैम्बर हो है वो फोर चैम्बर है। समझ में आ गई बात? यस। अब उसके बाद में देखो ब्लड वेसल्स, यहाँ तो समझ में आ गया आपको? यस। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, आपको कोई भी पूछे तो आपने बोलना हार्ट कहाँ होता है? थोरेसिक कैज में, थोरेसिक कैज से थोड़ा सा लेफ्ट, ठीक है। और वो कैसा होता है? गुट्टी के बराबर, गुट्टी के बराबर, ठीक है। फिस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। और फिस्ट है ना, गुट्टी जो होती ना अपनी, छोटा बच्चा है तो उसकी छोटी फिस्ट रहेगी, उतना ही बड़ा हाथ रहेगा। बड़ा आदमी है तो उसकी जितना हाथ बड़ा हाथ रहेगा उतना फिस्ट रहेगा, उतनी बड़ी उसका हाथ रहेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। और वो डबल लेयर मेम्ब्रेन में इनक्लोज रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या देखे कि वो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन एक प्रॉपर रिदम के साथ में होता है, तो उसको बोलते हैं हार्ट बीटिंग। क्या कहते हैं उसको? हार्ट बीटिंग या बीटिंग ऑफ हार्ट कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने ये देखे कि इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए कितने चैनल होते हैं? फोर चैनल, ठीक है। कितने चैनल होते हैं? फोर चैनल, ठीक है। कौन कौन से? पहले वो डिवाइड होता है दो भागों में, एक एट्रियम या एट्रिया बोलते हैं उसको, ठीक है, और वेंट्रिकल, ठीक है। तो इस प्रकार फिर से एट्रियम फिर से डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट में, वेंट्रिकल भी वैसा लेफ्ट एंड राइट। तो इस प्रकार से इंग्लिश में द हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज फोर चैम्बर, ठीक है। अब देखते हैं ब्लड वेसल्स, पहले हमने देखे थे ना इसमें कौन कौन से घटकों का समावेश होता है। तो दूसरा घटक है ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स जो है ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है आर्टेरीज, क्या होते हैं? आर्टेरीज, आर्टेरीज। सेकंड है वेन्स, और एक तीसरे प्रकार की होती है जिसको हम क्या कैपिलरीज कहते हैं, बता दे बाकी, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स कितने होते हैं? टू टाइप्स, ठीक है। अब देखते हैं आर्टेरीज के बारे में, आपके इसमें फोटो में दिख भी रही है आर्टेरीज, yes. है ना। तो आर्टेरीज के बारे में पहले पढ़ लेते हैं हम। आर्टेरीज जो होती है ये क्या काम करती है? हार्ट का जो ब्लड का सर्कुलेशन है, हार्ट वेसल्स कैपिलरी इनमें से होते रहते हैं, ठीक है। तो मान के जो इसका फ्लो कैसा होता है? हार्ट से कहाँ जाता है? आर्टेरीज। कहाँ जाता है वो? आर्टेरीज से राइट, आर्टेरीज से सीधा जाता है वो ऑर्गन में जहाँ जाने उसकी आवश्यकता है, ठीक है। और ऑर्गन से सेल्स, ठीक है, ये उसका होता है। तो ये कौन से माध्यम से होता है? ये आर्टेरीज से। तो हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन हो, ठीक है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन हो, ठीक है। तो वो लेके जाता है ब्लड वेसल विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट, हाँ, एक आर्टेरीज को छोड़ के, ठीक है। एंड ऑक्सीजन, ब्लड वेसल कौन सा होता है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो देखिए हार्ट से कहाँ आया? आर्टेरीज, आर्टेरीज से कहाँ आया? ऑर्गन से कहाँ आया? ठीक है। तो यहाँ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन मतलब शुद्ध रक्त, जिस रक्त में जिस ब्लड में काय की मात्रा हो? ऑक्सीजन की मात्रा हो, ठीक है। ऐसा ब्लड जो ये चलते रहता है, ठीक है। अब उसके बाद में
ये बात हो गई। और दे डीपली लोकेटेड इन द बॉडी, अपने जो बॉडी है ना शरीर के बहुत अंदर में वो आर्टरीज होती है, शरीर के बहुत अंदर होती है। एंड देयर वॉल आर थिक, उसके वॉल कैसे होते हैं थिक, मान के चलो ये आर्टरीज है, ये आर्टरीज है, इसके जो वॉल है ये कैसे रहेंगे, थोड़े थिक रहेंगे, थिक रहेंगे, मोटे रहेंगे, ठीक है। और इसमें वॉल वगैरह नहीं होता, वॉल में कपाट इसको रोकने के लिए इसमें वॉल नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आर्टरीज के बारे में। अब पढ़ लेते हैं वेन्स के बारे में, क्या के बारे में पढ़ लेते हैं, वेन्स, वेन्स के बारे में, ठीक है। वेन्स जो है, वेन्स कैरिंग द ब्लड टुवर्ड द हार्ट, ये किधर लेके लेके आता है, हार्ट के तरफ, उसका उल्टा, आर्टरीज का उल्टा, एक एक वेन्स को छोड़ के बाकी के सबके सब जो हार्ट है, सबके सब जो वेन्स है वो डी ऑक्सीडेंट ब्लड किधर लेके जाते हैं, वो हार्ट में, ठीक है। कहाँ लेके जाते हैं, वो हार्ट में लेके जाते हैं, ठीक है। अरे देखिए सेल्स से ऑर्गन, ऑर्गन से कहाँ जाते हो, वेन, और वेन कहाँ जाए लेके जाएंगी, हार्ट, उसका उल्टा, ठीक है। समझ आ गई थी ना, यस। तो इस प्रकार से उसका फ्लो होता है काय का, वेन का, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए और हाँ, वेन्स एक्सेप्ट हो गया, तो सब हो गया पढ़ा के। और ये जो वेन्स जो है ये अपने सुपरफिशियल, मतलब चमड़ी के ऊपर दिख रहे हैं अपनी वेन्स, ये सुपरफिशियल इसमें लगी हुई होती है वेन्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब देख लेते हैं कैपिलरीज, क्या क्या देखेंगे आप, कैपिलरीज। अब कैपिलरीज जो है, मान के चलो ये कैपिलरीज है, ये क्या है, कैपिलरीज, ये क्या है, कैपिलरीज, ठीक है। अब ये कैपिलरीज ब्लड कहाँ से लाती है, फ्रॉम हार्ट, कहाँ से लाती है, फ्रॉम हार्ट, ये एरो दिखा दो, मतलब यहाँ से हार्ट के तरफ से ब्लड आ रहा है, ठीक है। फिर ये जो आर्टरीज जो आर्टरी बोला था इसको, ये आर्टरी, ठीक है। अब ये आर्टरीज क्या होती है, ये यहाँ से डिवाइड होती है, और डिवाइड होने के बाद इनमें से ऐसी छोटी 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 बारी 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 में ऐसी वेंस निकलती है, क्या निकलती है, वेंस निकलती है, ठीक है। डिग्रेट मानी डायग्राम्स में 11.5, ठीक है, ये निकल गई है छोटी छोटी, ठीक है। आपको ऐसा बस बना, ऐसे डिवाइड होती है, ठीक है, थोड़ी सी डिवाइड है, डिवाइड होने के बाद फिर से एक क्या होती है, एक एक जगह यूनाइट हो जाती है, जुड़ जाती है, क्या होती है, एक जगह जुड़ जाती है, ठीक है। ये फिर जुड़ने के बाद में ये क्या बना लेती है, ये वेन बना लेती है, क्या बना लेती है, ये वेन, वेन बना लेती है। तो ये जो कैपिलरी डिवाइडेशन होता है इसको बोलेंगे हम कैपिलरीज, क्या बोलेंगे, कैपिलरीज, कैपिलरीज, समझ में आ गई बात, यस, हां यस। इधर देखिए ब्लड हार्ट से ब्लड आया, यस, आर्टरी से, यस, फिर ये आर्टरी क्या हुई, डिवाइड हुई, फिर वो आर्टरी तो इतनी डिवाइड हुई, बाद में छोटी वेन मतलब ये होगी, तो ये का कैसा कन्वर्ट से काम हो गया कैपिलरीज, इसको बोलेंगे हम कैपिलरीज। फिर ये कैपिलरीज बात जैसे क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। जुड़ने के बाद में ये क्या, ये क्या बन जाती है, बना लेती है, वेन बना लेती है। फिर ये किधर जा रहा है, इसका ब्लड का फ्लो किधर होता है, हार्ट में, हार्ट में, समझ में आ गई बात, किधर जा रहा है इसका, वो किधर जाती है, हार्ट की तरफ, समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस प्रकार से ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द कैपिलरीज एंड सेल्स, और यहाँ पे कैपिलरीज एंड मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। द ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स विटामिन आर सेंड्स टुवर्ड द सेल्स एंड वेस्ट मटेरियल्स ऑफ द सेल्स मूव इनटू द ब्लड, ब्लड के माध्यम से इस प्रकार से इसका मूवमेंट होता है, समझ में आ गई बात,
कैपिलरीज यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म वेसल्स ऑफ मोर डायमीटर। अब इधर देखिए हार्ट बीट अंडर पर मिनट कितने होता है बताना भूल गया था मैं आपको, 72 टाइम 72 हार्ट बीट रिपीट होती है कितने बार दिन में, एक मिनट में, ठीक है। और उसके बाद में अब ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट, द प्रोसेस ऑफ पंपिंग ब्लड टुवर्ड्स द वेरियस पार्ट्स ऑफ हार्ट, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज ब्रिंगिंग इट बैक टुवर्ड द हार्ट, इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन। यानी कैसा है, एक पंपिंग सिस्टम होता है, पंपिंग पंप होता है ना, हार्ट जो है ब्लड किधर छोड़ लेके जाता है, सेल्स के तरफ, ब्लड को हार्ट में लेके जाता है सेल्स के तरफ, और फिर से वो ब्लड वेन के माध्यम से कहाँ आता है, हार्ट में। तो ये कंटिन्यूशन प्रोसेस चलती रहती है, इसी को बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आ गई बात, तो मेंटेन द कंटिन्यूटी इन सर्कुलेशन, हार्ट अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, हार्ट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, कंसिक्यूटिव सिग्नल्स कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट कॉन्स्टिट्यूट्स द सिंगल हार्ट बीट। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पीरियड में पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, ठीक है, तो घर से पढ़ के आने का, ठीक। नहीं।